हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये बॉक्स है दोस्तों, इसमें एमसीबी बॉक्स है दोस्तों। हैवल्स कंपनी का ये रियो मॉडल है, 24 बे का है दोस्तों। आज इसको ओपन करके दिखाएंगे ये कैसा दिखता है, कैसा इसका मॉडल है दोस्तों, और कहां पर इसको लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं किस बॉक्स के अंदर इसको खोलेंगे, एमसीबी बॉक्स को, और देखेंगे इसका मॉडल कैसा है, कैसा दिखता है। और यहाँ पर आपको ले चलते हैं जहाँ पर हमें इसको लगाना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगेंगे मेन स्विच दोस्तों, सारा लाइट यहीं से ऑपरेट होगा, यहीं पर लगेगा एमसीबी बॉक्स दोस्तों, यहीं से लाइट ऑन ऑफ होगा, पूरे घर की लाइट ऑपरेट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हाथ लेकर नाप रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमारा हाथ पहुँचेंगे आसानी से हमारा लाइट काट सकते हैं किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमारा हाथ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जगह है, और आपको ले चलते हैं। चलिए इसको बॉक्स को खोल के दिखाते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसमें कैसा इसका मॉडल है और कैसा ये दिखता है। तो सबसे पहले ये टेप है दोस्तों, टेप को इसको जो है किसी नुकीले चीज़ से आप इसको काट सकते हैं टेप को। तो मैंने ये चेस्टर लिया हूँ, चेस्टर के माध्यम से टेप को जो इस प्रकार से देखिए कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये खुल जाएंगे, तो ये देखिए बहुत ईजी होता है दोस्तों इसको काटने में। तो इस प्रकार से देखिए इसको खोलते हैं, और ये खुल गया, और खोलने के बाद आपको दिखाते हैं देखिए इस बॉक्स के अंदर क्या निकलेगा। तो ये देखिए एक बॉक्स और निकला है इसके अंदर, देखिए दोस्तों इसमें होता है दोस्तों कवर होता है, एमसीबी बॉक्स का कवर होता है, इसमें इसका अलग से पैक किया होता है ताकि किसी प्रकार से ये टूट ना जाए, टूटने वाला भी सामान होता है। इस प्रकार से देखिए इसका पैकिंग कितना बढ़िया से किया हुआ है ताकि कहीं किसी तरीके से ये बॉक्स डैमेज ना हो। इस प्रकार से इसको देखिए फॉर्म किया होता है। इसके बाद देखिए इसको आप क्या करते हैं, इसमें देखिए ये निकला है एक कूपन, हैवल्स कंपनी की तरफ से एक कूपन मिलता है दोस्तों, सारे मॉडल में निकलता है। तो आपको बता दूं दोस्तों इसको कैसे बेनिफिट लिया जाता है, कैसे इसका पैसा मिलता है, कैसे इसका यूज करते हैं, और कैसे कंपनी में रजिस्ट्रेशन करते हैं दोस्तों। सारा वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पर और देखिए, आसानी से आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएंगे, पूरी अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस बॉक्स को चलिए बाहर करते हैं कार्टून से बाहर करने के बाद आप देखते हैं इसमें तो और कुछ नहीं है इसमें। इसको साइड करते हैं, साइड करने के बाद जो है दोस्तों इसको जो है अब इस कवर से बाहर करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं इसमें टेप लगा हुआ है, सबसे पहले टेप उतारते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर से निकालते हैं ये बॉक्स। तो आप देख सकते हैं इसको हम निकालेंगे, अभी पन्नी से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से देखिए निकला है, और ये जो है ये गाइड दिया हुआ है दोस्तों, मीनू गाइड भी बोल सकते हैं। तो इसको है देखकर आप भी लगा सकते हैं, कोई भी आपको समझ में नहीं आए तो आप इससे पढ़ के इसको लगा सकते हैं। ये देखिए ये सीमेंट गार्ड दोस्तों, जो सीमेंट का मसाला जो होता है दोस्तों प्लास्टर करने के लिए ये रोकता है। इसको सेट करने के बाद ये वापस लगा दीजिए तो आपको ये मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके लिए ये दिया होता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये देखिए चार छो स्क्रू पे ये कसा हुआ है, इसको क्या करते हैं खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलिए इसको खोलते हैं अपने टेस्टर के माध्यम से, सारे नट को हमें खोलना होगा। तो दोस्तों मैं हूँ पप्पू, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पप्पू इलेक्ट्रिकल टिप्स। दोस्तों जब तक मैं इसको खोल रहा हूँ इस स्क्रू को, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं सारे स्क्रू को हम खोल लिए हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से चारों को खोल लिया हूँ। अब देखिए इसको बाहर करते, इस कवर को देखिए, बाहर करने के बाद आपको बता दूं, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये देखिए ये रेल पट्टी है, ये दो ठो ट्रैक है, इसी पे एमसीबी सब लगता है। ये देखिए ये है नंबर, देखिए स्टिकर, आप नंबर बाय नंबर एमसीबी को डाल सकते हैं, इस पर कुछ लिख सकते हैं नाम, रूम का किस नंबर, रूम का कौन सा एमसीबी है, तो नंबर डाल सकते हैं इसमें दिया होता है। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों एक पैकेट और आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें वायर दिया हुआ है दोस्तों सीरीज करने के लिए, जैसे इस एमसीबी सीरीज से लेकर उस एमसीबी में जोड़ना होता है दोस्तों,
इसके लिए ये दिया होता है। तो आप देख सकते हैं इसको सेट करते हैं, ये है देखिए रेल पट्टी, इसे बोलते हैं ये ट्रैक जो है, इसी के ऊपर MCB, RCCB और DPMCB और MCB चेंज ओवर इस पर लगाया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर N लिखा हुआ, ये जो है पूरा न्यूट्रल का है और ये ऊपर जो ये है पूरा ये है अर्थिंग का। इस प्रकार से इसमें कनेक्शन होता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये 4 स्क्रू इस पर ये टाइट है, ये फंडीशन टाइप का बना हुआ है, देख सकते हैं ब्रैकेट टाइप का। इसको क्या करते हैं, चाहे तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए इस बॉक्स में जो निकला था एक और बॉक्स, इसमें कवर है दोस्तों। इसका कवर का डिज़ाइन कैसा है ये देखिए, कैसा इसका मॉडल है दोस्तों, रियो का मॉडल है, और कैसा ये दिखता है इसको भी आपको दिखाता हूँ। इस कवर को MCB कवर को MCB बॉक्स का ये कवर है, ढक्कन भी बोल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखिए इस पर लगेगा जब ये मेरा फाइनल हो जाएंगे तो चलिए इसको भी बाहर करके देखते हैं कि कैसा ये दिखता है। तो देखिए दोस्तों इसको प्लास्टिक से बाहर कर लिया हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जहाँ पर ढक्कन है दोस्तों लॉक होता है, और इसको देखिए इस प्रकार से बैठे यहाँ प्रेस करके ऐसे खोलेंगे तो आपका ये खुल जाएंगे। ये देख सकते हैं इतना भी जो आपको नज़र आ रहा है गैप, उसी में MCB लगेगा। इस प्रकार से देखिए इसका मॉडल था रियो का, हैवल्स कंपनी का, देख सकते हैं दोस्तों। अब इसको साइड करते हैं और आपको मैं बता दूं, ये देखिए ये इसमें रहता है एक्स्ट्रा, ये जो है जहाँ पर MCB का गैप होता है दोस्तों, जैसे 6 MCB लगना है वहाँ पर 4 ही लगा, 5 ही लगा, तो एक जगह खाली रह जाता है, तो इसको डमी टाइप का ये जो है इसको कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये इसी में MCB लगेगा और यहाँ पर जगह बच जाएगी दोस्तों, तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको बिठाया जाता है, ये इसमें भी लॉक हो जाता है, देख सकते हैं काफ़ी सारा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखिए साइड करते हैं और आपको फिर बॉक्स में ले चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब इसको जो है हम बाहर करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये 4 स्क्रू इसमें भी लगा हुआ है, सबको थोड़ा हाफ लूज करेंगे दोस्तों, पूरा नहीं निकालना है, आधे आधे स्क्रू को खोल लेना है। इसको निकाल के आप लगा सकते हैं और इसको बाद में भी आप लगा सकते हैं, जब आपका काम फाइनल होगा, जब आप तार डालेंगे दोस्तों सर्किट का, उस समय आप इसको वापस लगा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, किसमें किसी प्रकार से गंदगी नहीं बचेगी और आपका ये क्लीन रहेगा। तो देखिए दोस्तों आधे आधे हम इसको खोल लिया हूँ, अब क्या करेंगे इसको निकालेंगे। देखिए निकालने का तरीका, थोड़ा सा ऊपर प्रेस किया दोस्तों, ये देखिए इसका जो खांचा होता है दोस्तों, ये देखिए जैसे कैलेंडर वगैरह में होता है, जैसे पोस्टर लगाते हैं फोटो का फ्रेम होता है दोस्तों, उसमें ये इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे दीवार घड़ी में जो होता है उस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसको निकाल दिए हैं, निकालने के बाद में देखिए दोस्तों इसको वापस जो है थोड़ा सा कस लेंगे, सारे स्क्रू को कस लेंगे ताकि ये गिरे नहीं और ये घूम ना हो, इसीलिए इसी में लगा रहेगा, जहाँ भी रहेगा इसके साथ इसमें लगा रहेगा स्क्रू। बाद में हम इसको खोल कर हम उसको वापस कसेंगे जब मेरा काम होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखिए सारे स्क्रू को हम वापस इसको कस दिए हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। ये अभी खाली बॉक्स डब्बा दिख रहा होगा और काफ़ी बढ़िया हमको लगा दोस्तों। इसके बाद आप एक चीज़ और बताऊंगा, देखिए ये 4 स्क्रू जो था, ये जो सेफ्टी गार्ड जिसको हम बोले थे, इस पर से कवर जो लगा था, जो उसको निकाला था, वो इसके लिए ये स्क्रू है 4 दोस्तों, उसको भी इसमें लगा रहने देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ निकल गया, उसको वापस लगा देते हैं ताकि जब हम ये बॉक्स को फिट करेंगे वॉल के अंदर, तो इस कवर को जो इस प्रकार से इसको लगा देंगे, वापस लगा कर इसको कस देंगे, ताकि मिस्त्री लोग प्लास्टर करेंगे तो किसी प्रकार का इसमें कंक्रीट मसाला नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये गैप दिया हुआ है, इस तोड़ तोड़ के आप इस पर पैप लगा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हॉल कटा हुआ है, आप जहाँ जितना जरूरत होगा जितने पाइप को उतना पाइप आप काट कर
इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।